मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। ओ मेरे प्यारे गुरुवर जीवन बना था संग्राम रे, ओ मेरे प्यारे गुरुवर जीवन बना था संग्राम रे। मामे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविर आविर्मयेधि वेदस्य माणिस्थ श्रुतं मे मा प्रहासीय अनेनाधीतेन अहोरात्रान् संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शांति शांति शांति। इस प्रसंग में प्रतिबिंब स्थानी अपने इसी अंतःकरण के भीतर जो चिदाभास जीव बन करके बैठा है उसके तीन स्थान हैं आवसत, धीमे रखो, तीन स्थान हैं, तीन आवसत है। उसको एक दृष्टि से कहा जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। ओ जीव चिदाभास जागृत अवस्था में बैठ के भोग करता है, स्वप्न अवस्था में बैठ कर के अनुभव करता है और सुषुप्ति अवस्था में बैठ कर के भी अनुभव करता है। और यह जो चिदाभास रूप से है जीव, इसी का तीन जन्म होता है, वो भी तीन आवसत है। ये सबसे पहले पुरुष के शरीर में आता है, तादात्म्य भाव को प्राप्त कर लेता है, उसके बाद स्त्री के शरीर में जाता है, वहाँ तादात्म्य भाव को प्राप्त कर लेता है, उसके बाद फिर पैदा होता है और धीरे धीरे ये अपने पूरी दिनचर्या को करते करते अपने संतान को सारी जिम्मेदारी सौंप करके स्वयं वृद्ध हो जाता है, वयोगत हो जाता है, एक दिन शरीर छोड़ देता है। लेकिन चूंकि यह चिदाभास जीव इसने आत्मज्ञान नहीं प्राप्त किया, अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव नहीं किया था, कर्म किया था, इसलिए अपने कर्मों का फल भोगने के लिए चंद्रमस आदि लोकों को जाता है और वहाँ जाकर के पुनः ये जीव उसी प्रक्रिया के अनुसार आके वनस्पतियों में, वनस्पतियों से फिर पुरुष के शरीर में, और ये जीव के आवागमन का चक्र है। इस आवागमन के चक्र से कोई ऋषि जो वामदेव जैसे हो महापुरुष, वही इस आवागमन के चक्र को तोड़ सकते हैं। कैसे? या तो गर्भ में रहते रहते ही हमको श्रवण करने को मिल जावे, कभी कोई पहले आश्रम में, जैसे मान लो लव कुश का जन्म हुआ, आश्रम में सीता जी हैं, वहाँ श्रवण करने को मिल जाए गर्भ में रहते रहते,
जैसे कभी अभिमन्यु को मिल गया, अष्टावक्र को मिल गया, वामदेव जी को मिल गया, और वो उसको साधना की दृष्टि से अनुभव करे, केवल केवल अपनी मेधा शक्ति से याद करने का भाव ना होवे, बल्कि अपने जीवन में एक साधना की दृष्टि से उसको एक एक वृत्ति को भीतर देखता चला जावे, ज्ञानी हो जावे, तो इस जन्म मृत्यु के चक्र को काट सकता है। या गर्भ में नहीं हुआ तो जन्म के बाद जब यह शरीर प्राप्त हुआ, ये शरीर पैदा हो गया, थोड़ा अन्न जल खा करके बड़ा हुआ, इस समय कोई परम कारुण केन आचार्येण आत्मबोध प्रदाने न, ऐसी कोई स्थिति हो कि संसार के अनुभव को देखे, चक्र को देखे और वैराग्य प्राप्त करके किसी संत की शरण में जा करके श्रवण करे, साधना करे और इस चक्र के परे हो जावे, और कोई उपाय नहीं है। वामदेव ऋषि ऐसे महापुरुष थे कि वामदेव ऋषि ने तो गर्भ में ही इस बात को समझ लिया कि मैं जीव नहीं हूँ बल्कि मैं आत्मस्वरूप हूँ, मैं सत स्वरूप हूँ, मैं जीव नहीं हूँ, ये जीव चक्र काटता रहता है, मैं तो ब्रह्म स्वरूप हूँ, आत्मस्वरूप हूँ। तो वामदेव ऐसी बात को गर्भ में समझ गए, लेकिन हम लोग इतने भाग्यशाली नहीं थे कि हमको गर्भ में ये बात समझ में आ जाती, या आप कहो हमको सुनने को नहीं मिला, वैसी परिस्थितियाँ नहीं मिली, वैसा हमारे भीतर वैराग्य नहीं था, उतना विवेक नहीं था। हम तो पैदा हो चुके और साथ ही साथ 40 साल का जीवन भी हमने जी लिया, 50 साल का। इस जीवन में अनेक प्रकार के संस्कारों का हमने संग्रह भी कर लिया, एक दो नहीं, ना जाने कितने प्रकार के शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के संस्कार हमारे चित्त में हैं, जड़ जमाए बैठती चली गई और जन्मों के थे, इस जन्म में भी बिठा लिया। अब कैसे इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूटे, तो अगला खंड जो अंतिम खंड है बिल्कुल इस बात को कहता है कि हम वामदेव जैसे महापुरुष तो नहीं हैं और हम चाहते हैं कि हम मुक्त हो जाएं। उपाय क्या है, किस तरीके से, तो इस खंड में प्रवेश करते हैं। हाँ, थोड़ा सा इस खंड का शुरुआती भाष देखोगे, जो टीकाकार ने एक शब्द लिखा, तुम्हारे भाषा में नहीं है, न च पदार्थ शोधनम बिना वैराग्य मात्रेण ज्ञान उत्पत्ति इति पदार्थ शोधन पूर्वक वाकृत्यम कथयितुम षष्ठो अध्याय इति अभिप्रेत्य पदार्थ शोधने अधिकारणम दर्शयन वाक्यम अवतारयति ब्रह्म विद्या इति। पूर्व के अध्याय में वैराग्य का प्रतिपादन किया है, इस जन्म मृत्यु की अवस्था को देखो, आने जाने को देखो और वैराग्य प्राप्त हो जाए। लेकिन केवल वैराग्य की प्राप्ति से मोक्ष नहीं है, कब तक, जब तक पदार्थ शोधनम बिना, जब तक पद और पदार्थ, तत् और त्वम, मैं कौन हूँ और सृष्टि क्या है, जब तक दोनों का अच्छी प्रकार से अन्वेषण ना किया जाए, मनन चिंतन ना किया जाए, तब तक केवल वैराग्य से मुक्ति नहीं होती। अगर केवल वैराग्य से मुक्ति होती तो बहुत सारे प्राणी जो जंगल में रहते हैं उनको मोक्ष हो जाता, बहुत सारे लोग जो एकाकी रहते हैं वैराग्य पूर्वक उनको था, लेकिन ऐसा संभव नहीं पड़ता। तो केवल वैराग्य मात्र से नहीं, बल्कि हमको श्रवण करना चाहिए किसी संत के पास। देखो कैसे श्रवण करना चाहिए, पढ़ना, देखना, ब्रह्म विद्या साधन कृत सर्वात्म भाव फल अवाप्ति। ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए अगर कोई साधन करे, कोई उपाय करे, साधन कृत, जिसने अपने जीवन में साधन को लाया और ब्रह्म विद्या की शरण में गया, ब्रह्म विद्या के माध्यम से साधना किया, फल क्या हुआ, सर्वात्म भाव फल पाप, उसको सर्वात्म भाव की प्राप्ति हो गई। सर्वभूतात्मा कुर्वन्न पीना लिप्यते, सर्वभूतात्मा सर्वात्म भाव की प्राप्ति हो गई, किसको, वामदेव आदि आचार्य परंपराया श्रुतिया,
परंपरा से श्रुति ने ऐसा बताया कि जैसे वामदेव आदि अनेक अनेक ऋषियों ने ऐसा प्राप्त किया। हाँ, श्रुति अवध्य उत्य मानाम ब्रह्मवित परिषदि अत्यंत प्रसिद्धाम। ब्रह्म ज्ञानियों की सभा में, ब्रह्मवित परिषद, ब्रह्म ज्ञानियों की सभा में कहीं पर 10-15 ब्रह्म ज्ञानी लोग बैठे हैं, उनके बीच में जो बहुत ही प्रसिद्ध है, अत्यंत प्रसिद्ध है, ब्रह्म ज्ञानियों के बीच में कौन से प्रसिद्ध विषय होगा? ब्रह्म विद्या। भाई राजनेताओं के बीच में प्रसिद्ध विषय होगा वोट, राजनीति। समाज सेवकों के बीच में प्रसिद्ध विषय होगा कहाँ पर कैसी सेवा करनी, कहाँ झाड़ू लगाना है, कहाँ नाली साफ करानी है। और ब्रह्म विद्या वाले अगर बैठे होंगे तो उनके बीच में जो बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें उनका मन लगता है, बुद्धि लगती है, वो ब्रह्म विद्या। तो ब्रह्मविद परिषद अत्यंत प्रसिद्धाम उपलब्ध माना, और ऐसे ब्रह्म विद्वानों की सभा में कोई एक मुमुक्षु पहुँच गया। मानो 10-15 लोग ब्रह्म विद्या की चर्चा कर रहे थे, ब्रह्म ज्ञानी लोग बैठे हैं, आनंद में चर्चा रमण कर रहे हैं, सारी सृष्टि का मूल अधिष्ठान ब्रह्म है, और मुमुक्षुओ ब्रह्मणा अधुनातना, एक कोई मुमुक्षु, मुमुक्षु माने मोक्ष की इच्छा से पहुंच गया। कैसा है? ब्रह्म जिज्ञासवः, अब ब्रह्म तत्व को जानने की इच्छा वाला है। अब दोनों देखो संपर्क हो रहा है, उधर ब्रह्म विद्या के आचार्य लोग बैठ करके अपने ब्रह्मानंद में रमण कर रहे हैं, और इधर एक ब्रह्म विद्या का जिज्ञासु हो गया ना, आचार्य और गुरु की परंपरा हो गई, एक जिज्ञासु आ गया। और वो जिज्ञासु कैसा है देखो, दोनों का यहाँ विशेषण बता रहे हैं, शुरुआत में ही उपोद्घात है, भूमिका है। हाँ, जो आचार्य लोग हैं वो ब्रह्म विद्या में रमण करने वाले हैं, वो श्रुति परंपरा से ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं और उसी में आनंद में अभिभूत हैं, और एक जिज्ञासु है वो पहुंच गया। किस बात की जिज्ञासा है? ब्रह्म विद्या। हाँ, संसार की कोई जिज्ञासा नहीं, ब्रह्म जिज्ञासवः अनित्यात् साध्य साधन लक्षणात् संसारात् अजीव भावात् व्याविवृत स्वः विचारयन्तो अन्य अन्यम पृच्छन्ती को अयम आत्मा इति। अब कौन से लोग विचार करेंगे, जिज्ञासु कौन है? बोले अनित्य साध्य साधन लक्षणया, बार बार भाष्य में बहुत बार शब्द आएगा अनित्य साध्य साधन लक्षणात् संसारात्। संसार की यहां पर परिभाषा किया, इस जगह पर देखो, जगह जगह पर भगवान भाष्यकार बदलते, इस जगह पर संसार की परिभाषा है जो अनित्य है और किसी साधन से वो प्राप्त होता है, बिल्कुल स्पष्ट है। अगर किसी कर्म से प्राप्त होता है, साधन से कोई चीज प्राप्त होती है, तो वो कभी भी नित्य नहीं हो सकती। कर्म से, साधन से जो भी वस्तु मिलेगा वो सबका सब अनित्य होगा। तो अनित्य साध्य साधन है। आज हमारे मन में साध्य है कि अमुक वस्तु मिल जाए, उसको प्राप्ति के लिए मैं करता हूं साधन, लेकिन साधन किया, अनुष्ठान किया, तो जो साध्य मिलेगा अनित्य होगा। अब स्वर्ग आदि तक है, स्वर्ग आदि तक, क्योंकि स्वर्ग भी साधन करने पर प्राप्त होता है, यज्ञ करने पर प्राप्त होता है। तो जो जो वस्तु हमको साधन से प्राप्त होता है वो सब अनित्य। तो ये अनित्य साध्य और साधन, इन दोनों से जिसके भीतर वैराग्य हो गया है, हाँ, अजीव भावत, अब जो जीव भाव में रहने के लिए तैयार नहीं, कर्ता भोक्ता के वृत्ति में रहने के लिए तैयार नहीं, अच्छा नहीं लगता मुझको, हाँ, रोज रोज कर्ता भाव बनो और दुखी हो, रोज रोज भोगने वाले बनो और दुखी हो, नहीं पसंद है। अजीव भावत व्याविवृत स्वः, इनसे छूटना चाहता है। विचारयन्तः, ऐसे विचार वाले महापुरुष लोग अन्यः अन्यम् पृच्छन्ति, एक अन्य से दूसरे अन्य पूछते हैं, आपस में विचार करते हैं, या समझो वो जिज्ञासु आके उन आचार्यों से पूछता है, या कि सब ब्रह्मज्ञानी हैं तो एक दूसरे से बात करते हैं,
को अयम आत्मा इति, ये आत्मा कौन है, ये इतना यहाँ पर भाष्य है शुरुआत का, समझना। अब यहाँ सीधे यहाँ कोई कर्म की चर्चा नहीं है, अब इस प्रसंग में आते ही आप समझना, क्योंकि जितना कर्म होवेगा वो वाला चैप्टर क्लोज, क्योंकि जितना कर्म करोगे वो साधन होगा, उससे कोई फल की प्राप्ति होगी, और जो फल प्राप्त होगा वो भी अनित्य होगा, इसलिए कर्म का अध्याय पूरा। अब पूरी तरह से स्वर्ग आदि से वैराग्य प्राप्त हो गया, नहीं चाहिए हमको स्वर्ग, नहीं चाहिए हमको यज्ञ, नहीं चाहिए हमको अमुक अनुष्ठान, नहीं चाहिए ये सब पूरी तरह से, भाई इतना वैराग्य हो तो टिकता है उपनिषद का ज्ञान, मन के भीतर कोई चाह ना हो, कुछ भी नहीं। और आश्चर्य की बात यह है ना, बिल्कुल आप समझना, आश्चर्य की बात है, बिल्कुल घोर आश्चर्य। हाँ आप समझो, जिस समय जिस क्षण आप इस अवस्था में हो जाओगे, कुछ नहीं चाहोगे, अपने आप मिल जाता है ना, अनपेक्षित रूप से ये सारी सृष्टि फिर ऐसे। और हमारे उपनिषदों में है कि सारी सृष्टि सारी प्रकृति ऐसे महापुरुषों की सेवा करती है, आप उस एक अचाह की स्थिति में जाके देखो, बस मन पर काबू करना पड़ता है, क्योंकि जाने अनजाने संस्कार के बसात, इसको हम कहते हैं कुलाल चक्रवत, कुम्हार का चक्का, वो डंडा हटा लिया उसने तो भी 10 मिनट तक वो चक्का घूमता रहता है, बिजली का बटन बंद कर दो तो भी पंखा काफ़ी देर तक घूमता, ऐसे मन का जो चक्र है ना, आप ना चाहो तो भी मंदिर में जाते मुँह से निकल आवेगे प्रभु परिवार वालों को बुद्धि से ठीक ठाक देना, सब कुशल रहें, ना चाहते हुए भी ये अचानक निकल जाएगा। अगर ये एक कैसा हो गया, बोले जैसे बिजली बटन दम बंद कर दिया तो भी पंखा थोड़ी देर तक चल रहा है, निकल जाता है, वो कामना आ गई, निष्काम उष्काम नहीं, वो कामना आ गई। और जब क्योंकि परिवार के लोग सुखी रहेंगे तो मैं भी सुखी रहूँगा, हाँ वो हाय हाय करेगा, वो दुखी होगा तो मेरे मन में भी कामना आ गई, ये सकाम हो गए। और सकाम होते ही आप आ गए जीव भाव के अंतर्गत, यहाँ पर कैसा है अजीव भाव, जीव नहीं अजीव, वो जीव भाव से ऊपर उठना चाहता है, मैं कर्ता नहीं बनना चाहता, मैं भोक्ता नहीं बनना चाहता, देख लिया इस जगत को अब बहुत, पूरी तरह से जो वैराग्यवान है भाई उसी के लिए, ये तो वैराग्यवान के लिए है ये अध्याय, अंतिम अध्याय, ये छठा अध्याय माना गया है, टीका में छठा अध्याय लिखा है, कथयितुम षष्ठो अध्याय, ये छठा अध्याय लिखा हुआ है। अब अपने आप हिसाब लगाना कि कौन सा अध्याय है, पहले अध्याय में केवल 3 खंड हैं, पहले अध्याय में 3 खंड हैं, दूसरे अध्याय में 1 खंड है, और तीसरा अध्याय शुरू हो रहा है जिसमें 1 खंड है, बस तो होगा 5। और टीकाकार ने लिखा है षष्ठो अध्याय, ये छठा अध्याय। अब ये विचार का विषय हो जाता है, इस पर बड़ा विचार है, चिंतन है कैसे, इसलिए बैक में जाना पड़ता है, क्योंकि इस अध्याय में ऐत्रेय आरण्यक के दूसरे अध्याय का बहुत कुछ इसमें भगवान भाष्यकार ने विषय लिया है, जो हम लोगों ने नहीं पढ़ा है वो पूर्व में है, क्योंकि ऐत्रेय आरण्यक का 4th, 5th और 6th ये 3 अध्याय 3 अध्याय 4th, 5th और 6th ये 3 अध्याय उपनिषद है। तो यहाँ पर जो टीकाकार ने 6th अध्याय किया है, पूर्व का ले सकते हो या अध्याय के क्रम से 6th मान लो, खंड हमने 4 पढ़ लिया, 5वां खंड पढ़ना है, खंड 5 हुए, पहले अध्याय में 3 खंड, दूसरे में 1 खंड और तीसरे अध्याय में 1 खंड, तो 5 खंड हैं, 5 अध्याय नहीं। और टीकाकार ने कहा है 6th अध्याय, इसका मतलब कि पहले 3 अध्याय हो चुके थे जिनको हमने नहीं पढ़ा, 4th अध्याय उपनिषद है, 5वां अध्याय उपनिषद है और 1 6th अध्याय उपनिषद है, 4th, 5th और 6th 3 अध्याय उपनिषद थे, हाँ तो 6th अध्याय आरभ्यते, 6th अध्याय प्रारंभ हो रहा है, कौन सी कठिन बात है, वो इसलिए मनन की ज़्यादा ज़रूरत है,
वाक व्यवहार की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हाँ, और हमारा ज़्यादातर जो जीवन वाक व्यवहार में चल रहा है, मनन में नहीं जा रहा है, चिंतन में नहीं जा रहा है। जिज्ञासवः, मंत्र पढ़ो। को अयम आत्मा इति वयम उपास्महे कतरा स आत्मा येन वा पश्यति येन वा शृणोति येन वा गंधान जिघ्रति येन वा वाचं व्याकरोति येन वा स्वादुचा विजानाति को अयम आत्मा इति वयम उपास्महे। वो कौन सी आत्मा है जिसकी हम उपासना करते हैं, उपासना करें? वो आत्मा कौन है? हाँ, किस आत्मा की उपासना करें? जैसे कहीं पर है कस्मै देवाय हविषा, किस देवता की हम उपासना करें? वो आत्मा कौन है जिसकी वास्तव में उपासना करना चाहिए? क्योंकि बहुत मतभेद है आत्मा के बारे में। एक जगह पर आत्मा शरीरी को कह दिया, इसी जगह पर कहा था पुत्र के रूप में आत्मा ही हमारी पैदा हुई। हाँ, एक जगह पर है तो पुत्र को भी आत्मा के रूप में माना जाता है, शरीर भी आत्मा, जीव भी आत्मा। तो कौन ऐसा आत्मा है जिसकी उपासना हम करें? फिर ये आत्मा कतरा सा आत्मा, कतरा माने कैसा है, किस प्रकार से है ये जो आत्मा? येन वा पश्यति, जिससे हम देखते हैं, येन वा श्रुणो, जिससे सुनते हैं, येन जिससे गंध को सूंघते हैं, जिससे वाणी बोलते हैं, जिससे स्वाद लेते हैं, जिससे खट्टे मीठे आस्वाद का पता लगता है, ये आत्मा कैसा? हाँ, मंत्र पढ़ोगे तो बहुत आसान लगेगा, ये आत्मा कितना कैसा है। अब जरा सा इसको समझो, बहुत थोड़ा सा। यम आत्मानम अयम आत्मा इति साक्षात वयम उपास्महे। कह सा आत्मा इति यम चा आत्मानम अयम आत्मा इति साक्षात उपास्महे वामदेवो अमृता संभवत संभव एवं एव वयम उपास्महे को नु खलसा आत्मा। सीधा सा मतलब है कि ये जो आत्मा है वो आत्मा कैसा है, किस प्रकार का है? तो आप ऐसा पूछे क्यों इस उपनिषद में, इस अध्याय में, इस खंड में ऐसा प्रश्न पैदा क्यों हुआ? क्योंकि इतनी देर से तो पढ़ाया जा रहा है कि आत्मा वा इदम एक एवाग्रहस्य, आत्मा ही सबसे पहले था। हाँ, फिर ये जब इतना सुना दिया गया तो ये प्रश्न क्यों पैदा हुआ? इस पैराग्राफ में प्रश्न का हेतु है। हाँ, नीचे का पैराग्राफ देखना। एवं जिज्ञासा पूर्वम, ये जिज्ञासा क्यों? जिज्ञासा पूर्वम अन्योन अन्यम पृच्छताम अतिक्रांत विशेष विषय श्रुति संस्कार जनिता स्मृति अजायत ताम प्रपदाभ्याम प्रपद्यत ब्रह्म इमाम पुरुषम स एतमेव सीमानम विदारयितया द्वारा प्रापद्यत एतमेव पुरुषम। ये है जिज्ञासा का कारण। यहाँ जो प्रश्न है, ये आत्मा कौन है, क्यों प्रश्न किया? क्योंकि इस जिज्ञासा का जो मूल कारण है, इसके पूर्व के अध्याय में, इसी ऐतरेय उपनिषद ऐतरेय ब्राह्मण आरण्य के दूसरे अध्याय में आया है कि वो आत्मा ता प्रपदाभ्याम, यहाँ से तम प्रपदाभ्याम प्रापद्यत ब्रह्म इमं पुरुषम। ये जो पिंडाकार पुरुष पैदा हुआ था उसके पांव के तरफ से प्रवेश किया ऐतरेय आरण्यक में, इसी के पहले, ये चौथे अध्याय से शुरू हुआ था। हाँ, तो दूसरे अध्याय में आया था कि पांव के दो ही भाग रह गए थे, याद है वो राजा जैसे प्रवेश करने की दो ही जगह है, या तो यहाँ से प्रवेश करूँ या तो यहाँ से। तो दूसरे अध्याय में ये मंत्र लिखा है तम प्रपदाभ्याम प्रापद्यत ब्रह्म इमं पुरुषम। ओ पांव के अग्रभाग से
अंगूठे खिसे, पांव के अग्रभाग अंगूठा, यहां से वो पुरुष भीतर प्रवेश किया। और इसी उपनिषद में आपने पढ़ा कि वो मूर्धा को विदीर्ण करके स एतम एव सीमानम विदारयेतया, मूर्धा को भेदन करके वो भीतर प्रवेश किया। दो बातें आ गई ना, जब एक ही शास्त्र में दो तरह की बात आ जाती है तो मन में संशय पैदा हो जाता है। तो वास्तव में वो आत्मा सही जो ऊपर से प्रवेश किया कि वो आत्मा सही जो नीचे से प्रवेश किया, ये है इसके को अयम आत्मा इति। वो आत्मा कौन है जिसकी हम उपासना करें, जिसको मैं जानूं, इसका मूल जो भाव है ये इसीलिए इसका हम कहते हैं जिज्ञासाधिकरण। इस पर बहुत बड़ा चिंतन करना चाहिए, सबसे ज़्यादा चिंतन। इसका नाम ही ब्रह्मसूत्र में कितने अधिकरण हैं, 554 सूत्र हैं, 151 अधिकरण हैं ब्रह्मसूत्र में, और उसमें कभी कभी एक एक अधिकरण में 5-5 सूत्र हैं, कभी एक अधिकरण में 15-15 सूत्र हैं, और कभी एक ही सूत्र का अधिकरण है। तो जैसे पहला सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, इसको हम कहते हैं जिज्ञासा अधिकरण। पहला एक सूत्र ही अपने आप में पर्याप्त है, जिज्ञासा अधिकरण। और वहाँ जिज्ञासा का हेतु क्या है, क्यों होता है, ब्रह्म की जिज्ञासा, एक एक फिर वहाँ शब्द का भाव होएगा। तो उसी प्रकार से जिज्ञासा अधिकरण है, को अयम आत्मा इति, क्यों जिज्ञासा पैदा हुई आपके मन में जब बता दिया, तो कहा कि हाँ जिज्ञासा पैदा हुई। कैसे जिज्ञासा पैदा हुई, कि आप ही से सुन के जिज्ञासा पैदा हुई। संस्कार जनिता, जिज्ञासा का दो कारण बता रहे हैं, संस्कार जनिता या स्मृति अजायत। संस्कार जनिता, हमने अपने मन में कुछ न कुछ संस्कार इकट्ठा कर रखा है, हाँ, और वो संस्कार के विपरीत दिखाई पड़ता है यहाँ पर, तो मन में जिज्ञासा पैदा हो जाती है। समझना, संस्कार जिज्ञासा हमेशा संस्कार जनता होता है। केला को कैसे खाना चाहिए, ऐसे ऐसे छील के खाना चाहिए या पूरा छिलका निकाल के गूदा पकड़ के खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, सैनिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका संस्कार जनता क्या है। केला कैसे खाना चाहिए, पूरा छिलका निकाल के फेंक दो और गूदा पकड़ के खाओ, नंबर वन, या छिलका छीलते जाओ और कैसे खाना चाहिए, दूसरा ये है जिज्ञासा अधिकरण। क्योंकि बंगाली जब कोई खाएगा तो छिलका बाहर फेंक के पहले गूदा रख दा, है ना उड़ीसा बाबू वो छिलका पूरा निकाल के फेंकेगा, लगभग साउथ इंडियन या छिलका फेंक देगा गूदा रखेगा, और हमारे उत्तर प्रदेश वाला उसको बाकायदा छीलेगा खाएगा, फिर छीलेगा फिर खाएगा, है ना। हाँ, कौन सही है, इसका नाम है जिज्ञासा अधिकरण। हाँ, तुम अगर इसको कहोगे ये वाला सही है, ये संस्कार जनिता है, इसी का नाम है संस्कार जनिता, भाष्य में शब्द है। हाँ, संस्कार जनिता क्यों, क्योंकि हमारे बचपन से संस्कार ये है ना। लेकिन अगर उससे पूछो कलकत्ता वाले से तो वो कहेगा नहीं तुम लोग पागल हो, तुम लोग ना समझो, क्योंकि तुम लोग बाएं हाथ में पकड़े और बायां हाथ अशुद्ध होता है, दाएं हाथ से आपने छीला खाया किस हाथ से, जब देवता, अब देखना देवता ये जिज्ञासा अधिकरण है, जब देवता की आहुति बाएं हाथ से नहीं देते हो, कई बार महात्माओं को देखो वो दाएं हाथ से गिलास उठा के पानी पियेंगे, बाएं हाथ छूना मत लगाना मत, बाएं हाथ, तो आप अगर कहते हो छीलो और खाओ तो लगभग आप बाएं हाथ में केला पकड़े हो, दाएं से छील के खा रहे हो, बाएं से खा रहे हो, मतलब आप अशुद्ध खा रहे हो। अब बोलो नहीं तो हम लोग तो दहने पकड़ते बाएं छीलते लेकिन नेचुरली अगर कोई लेफ्ट हैंडेड नहीं है तो, अगर बाया हाथ वाला होगा तब ऐसा करेगा, लेकिन जितने लोग जो है दाएं हाथ से खाते हैं काम करते हैं, लगभग मैं कह रहा हूँ, हाँ मैं स्वयं भी, हाँ बाएं से पकड़ूंगा और दाएं से छील के खाऊंगा। भैया आप महान हो जो उल्टा करते हो क्योंकि हर बच्चा पाँव की तरफ से नहीं पैदा होता
जो बच्चा पांव की तरफ से पैदा हो जाए वो कमर की चिक का इलाज करने के लायक होता है। होता होगा 100 में 1, तो आप उस 100 में 1 हो। संभल करके हो ना। तो अब देखो दोनों तर्क है, जिज्ञासा अधिकरण है, मैं को अयम आत्मा, ये आत्मा कौन है, क्यों पूछा, क्योंकि दो तरह का संस्कार आया और दोनों तरह के संस्कार के अपने लॉजिक हैं, अपने तर्क हैं। तब मन में प्रश्न पैदा हो गया कि ये आत्मा कौन, हाँ जिज्ञासा अधिकरण, बहुत गहरे से जिज्ञासा क्यों पैदा होती है, संस्कार जनिता, हाँ संस्कार के कारण, हाँ बहुत कितना बढ़िया शब्द है हमारा, संस्कार के कारण। अरे मैं दृष्टांत देने लोगों को तो फिर 2 घंटा तो दृष्टांत दे दूंगा। मांग सीधी निकालनी चाहिए कि बाएं से कि दाएं से, लो हाँ हाँ। अब देखो संस्कार संस्कार आ जाएगा बीच में, क्योंकि हमारा अनुपम लगभग जो है इधर से निकालेगा, बड़ा डांट आज मत देखो, बड़ा डांट खा के सही हुआ है, हाँ वो बहुत डांटा गया है बेचारा, हाँ लेकिन इसका शौक होता था कि यह है इधर से निकाल, जो कोई ना करे वो मैं करूँगा। सब बाएं से निकालते हैं, कौन सी खास बात है, सब बाएं से निकालते हैं, लेकिन हमारी जिज्ञासा संस्कार से पैदा होती। अब मेरे मन में ये समझ में नहीं आता कि मांग कहाँ से निकालना चाहिए, मनीष बीच में निकालता है, लो हाँ मनीष क्या एक नया जो है ट्रेंड था बच्चों का, हाँ भगवान भला करे फिल्मों वालों का बाल खड़े खड़े कर लेते, जरा जरा सा उसमें एक दिन ये भी खड़ा किया था, हाँ मैंने देखा था रसोई में, तो ये तो अपनी अपनी बात, लेकिन जिज्ञासा पैदा होती सत्य क्या, जिज्ञासा हमेशा अपने संस्कार से उल्टा दिखाई पड़ेगा, तब जिज्ञासा अधिकरण हमेशा पक्का समझना, जो हम 10 साल से कर रहे हैं और कोई दूसरे तरीके से करता दिखाई पड़ रहा है तो मन में जिज्ञासा पैदा होगी कि कैसा है ये, जिज्ञासा का मूल संस्कार जनिता और स्मृति अजायत, वो संस्कार स्मृति बन के पैदा हो जाती है, अरे बचपन में हमने ऐसा किया था, हमारे दादाजी ऐसा कर, एक ऐसा हो रहा है, तब स्मृति से पैदा हो जाती है और ऐसी जिज्ञासा पैदा हो जाती, तब पूछा को अयम आत्मा। यहाँ पर फिर कहा आत्र द्वई ब्राह्मणी, हाँ आत्र द्वई ब्राह्मणी इतर इतर प्रातिकूल्यन प्रतिपन्ने इति, यहाँ पर जैसे एक लगा कि पांव से विदीर्ण करके अंदर आया, दूसरा लगा कि मूर्धा से, तो लगता है कि दो है, तब हमको समझ नहीं आएगा कौन सा आत्मा सही, जो पांव से घुसा कि जो हो सिर से घुसा, ते चास्य पिंडस्य आत्मभूते, बिल्कुल भाव वही है, कोई कठिन नहीं है पढ़ लेना, इसमें वो आत्मा कौन सा है, ऐसा विचार करने लगे। अब फिर से देखो जरा सा नीचे आना और नीचे आना, तो विचार करने के लगते हैं, द्वई द्वई वस्तुनि अस्मिन् पिंड उपलभ्येते, यहाँ से देखना, द्वई वस्तुनि अस्मिन् पिंड उपलभ्येते, अनेक भेद भिन्नेन करणेन एन उपलभते, यश्च एक उपलभते, कारण अंतर उपलब्ध विषय स्मृति प्रतिसंधाना तत्र न तावद एन उपलब्धे सा आत्मा भवितुम अर्हति, दिखाना है सब, हाँ यहाँ कह रहे हैं कि आप थोड़ा अच्छी तरह से समझना, यहाँ पर इस पिंड में अस्मिन् पिंडे, अस्मिन् पिंडे, ये शरीर को हमने नाम दिया था पिंड, हाँ क्योंकि वो आपसे ऐसा मूर्त निकला था, तो इस पिंड में द्वि वस्तुनि, दो चीज दिखाई पड़ रहे, दो चीजों का उपलब्धि हो रही इस पिंड में, दो चीज का, किसका किसका, यश्च अनेक भेद भिन्नेन करणेन, एक ऐसी चीज दिखाई पड़ रही जिसमें बहुत भेद हैं, किसमें, ज्ञानेन्द्रियम, इसी शरीर पिंड के अंदर दिख रहा है ना, हाँ इसी के अंदर है, तो ज्ञानेन्द्रियां हैं लेकिन भेद है, क्यों भेद है, क्योंकि आंख रूप देखती है कान शब्द सुनता है, भेद है, अनेक भेद भिन्नेन करणे, इसी पिंड में भेद वाली चीज भी दिखाई ही पड़ रही, मन दिखाई पड़ रहा है अंतःकरण में, मन बुद्धि चित्त अहंकार दिखाई, भेद वाली चीज, और इसी इसी पिंड में यश्च एक उपलब्धे, इसी पिंड में एक उपलब्धा ज्ञाता भी अनुभव हो रहा है, ठीक है हमारी पांचों ज्ञानेन्द्रियां 5 चीज को दिखा रही भेद, लेकिन सबको जानने वाला मैं
ये कहूँ, ये उपलब्ध है। तो अब विचार में ये आता है कि ये जो इंद्रियों का सहारा लेके देखता है और देख के कभी कभी कहता है मैंने रूप को देखा, मैंने रंग को देखा, मैंने शब्द को सुना, ये सही कि जो कहता है केवल मैंने देखा वो सही? अरे भैया आप ज्ञानी हो, यहाँ तो जिज्ञासा में ये प्रश्न है जो यहाँ पर श्रुति भगवती ने प्रश्न किया है, को अयम आत्मा, ये आत्मा कौन? तो यहाँ जिज्ञासा का मूल स्वरूप हुआ कि एक भेद है इसी पिंड के अंदर और उस भेद वाली चीज का सहारा लेकर के हमारे भीतर अलग अलग वृत्ति पैदा होती है। एक क्षण मैंने कहा कि मैंने कर्म किया, दूसरे क्षण कहा मैंने गमन किया, तीसरे क्षण मैंने कहा मैंने वाणी से बोला। हाँ यही तो, मैं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, ये सही? हाँ, कि जो कहता है केवल मैं शक्ति प्रदाता हूँ, अहम अस्मि, ओ सही, बस ये जिज्ञासा हुई। तब श्रुति ने कहा कि अब बताइए कि वो किससे सुनता है, किससे देखता है, किससे सूंघता है, किससे वाणी को बोलता है और किससे स्वाद और अस्वाद को हो जानता है। स्पष्ट है, केनोपनिषद वाला मंत्र वही है ना, केने शितम पतति प्रेषितम मनः, केन प्राणा प्रथमा प्रयतियोक्तः। तो बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट है, यहाँ पर केवल इतना समझना कि ए जिज्ञासा हुई, जिज्ञासा क्यों हुई, नंबर एक वो समझना। इस सूत्र में जिज्ञासा का मूल कारण था क्योंकि श्रुति भगवती में ही ऐसा दो तरह की बात आई। अब दो तरह की बात आने से मन में भेद पैदा हो गया, तो विचार करने का विषय पैदा हो गया। फिर हमारे इसी शरीर के भीतर एक हमारा भेद वाली चीज हैं और भेद वाली चीजों का सहारा लेके अनुभव करता है, और दूसरा केवल अस्ति अस्ति वाला है। तो मन में आया ये वाला कि ये वाला, क्यों, कारण क्या? क्योंकि जो केवल अस्ति अस्ति है वो निर्विशेष है, उसमें कोई विशेष नहीं है, तो उसको आप जानोगे कैसे? वो ज्ञान का विषय नहीं होगा, वो ज्ञान का विषय नहीं होता, वो क्रिया का आलंबन नहीं बनता, वो बोधा की जो वृत्ति है वो नहीं बनता। तो वो जो अस्मि अस्मि है वो निर्विशेष होने के कारण हमारे दृश्य का विषय नहीं है, हमारे श्रवण का विषय नहीं है, हमारे चखने का विषय नहीं है, वो उसका है नहीं, तो उसको कैसे जाने? और ये जो है जिसको मैं जान सकता हूँ, जो बार बार कहता है हाँ मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने जाना, मैंने अनुभव किया, मैं सुखी, मैं दुखी, इसको जान सकता हूँ, इसको जान सकता हूँ। आज तक तो इसी को उपासना हम कर रहे हैं, इसी को खिला पिला संतुष्ट कर रहे हैं, तो इन दोनों में कौन सत्य है, कैसे जाने? हाँ, अगला मंत्र पढ़ो। बहुत बढ़िया, अगले मंत्र में और बढ़िया इसका विस्तार करते हैं। यद एतत् हृदयं मनश्चैतत् संज्ञानम् आज्ञानम् विज्ञानम् प्रज्ञानम् मेधा दृष्टि धृति मतिर्मनीषा ज्योति स्मृति संकल्प क्रतुरसु कामो वश इति सर्वाणि एव एतानि प्रज्ञानस्नामधेयान् भवन्ति। अब वो जो ब्रह्मविद लोग विचार कर रहे हैं उसमें एक जिज्ञासु भी आया है, जो अनित्य साध साधन से वैराग्य प्राप्त करके पूछा, और विचार में ये उत्तर आता है। विचार में अब ये उत्तर आया, सुनिए। तुमने पूछा ना कौन आत्मा है जिसकी उपासना करें, तो कहते हैं अब विचार करना, उस आत्मा की उपाधियां अनेक हैं। जिस आत्मा को मैं बताना चाह रहा हूँ उसकी उपाधियाँ अनेक हैं, और वो उन उपाधियों के द्वारा ही उसको जाना जा सकता है।
क्योंकि स्वयं अपने आप में वो निर्गुण और निर्विशेष है। जब वो निर्विशेष है तो बिना उपाधि के उसको आप नहीं जान। हाँ, अब उपाधि को सहारा बना के अगर आप जानोगे तब आप विधेयात्मक तरीके से जानोगे, और उपाधि का निषेध करके जानोगे तो आप परिशेष न्याय से जानोगे। परिशेष न्याय, हाँ, परिशेष न्याय कहते हैं। हमने बताया है, जैसे किसी बच्चे को हमने कहा केला ले आओ, है ना। अभी कल सुना था ना, वो भूल गया कि मैं मनुष्य नहीं हूँ। कल ही शायद पढ़ा था, परसों, हाँ, भूल गया कि मैं मनुष्य नहीं हूँ। तो उसने पूछा गुरुजी से, आप बताइए। तो गुरुजी ने कहा ए पेड़ है, है ना, ए पेड़ है, मतलब ए मनुष्य नहीं है, ए मनुष्य नहीं है, ए मनुष्य नहीं है, ए मनुष्य नहीं है। जितनी चीज़ें दिखाई पड़ी सब मनुष्य नहीं, और तू अमनुष्य नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, जब सब मनुष्य नहीं है और एक मनुष्य होगा तो, और कोई चीज मनुष्य नहीं जितना यहाँ पर है, तो जो बचा उसको मैंने मनुष्य स्वीकार कर लिया। इसी का नाम हुआ परिशेष न्याय। परिशेष न्याय से ही तत्व का बोध होता है। दो चीज जैसे कभी पढ़ा होगा, अध्यारोप अपवाद, वो प्रक्रिया है। अध्यारोप अपवाद ए प्रक्रिया है, फिर बाद समानाधिकरण और या परिशेष न्याय, ये तीन ही सहारा हम लोग लेते हैं आत्मस्वरूप को। तो यहाँ पर अब समझना, ये अभी अध्यारोप हो रहा है, ये सब अब अध्यारोप है। ये आत्मा की, जिस आत्मा को एक नाम दे लो आज प्रज्ञान, अब समझना, हाँ, प्रज्ञानस्य नाम ध्येयानी, नाम आधेय, हाँ, प्रज्ञान के ही सबके सब उपाधियां हैं, नाम है, हाँ, प्रज्ञानस्य प्रज्ञान। आत्मा को आज एक नाम, नया नाम दिया, संज्ञा। संज्ञा माने बुलाने के लिए आत्मा को। यहां वहां पूछा था आत्मा कौन, यहां करें प्रज्ञान। प्रज्ञान के इतनी उपाधियां हैं, आत्मा की उतनी उपाधियां। कितनी उपाधियां हैं, यत एतत हृदयम, ये जो हृदय है वही मन है। पहले भी कहा था चंद्रमा मनसो भूत्वा हृदय में प्रवेश किया। हृदय, यत एतत हृदयम, मनना चाहिए तत, यही मन है। संज्ञानम, संज्ञान। आज्ञानम, अज्ञान नहीं है, अज्ञान मत पढ़ना, आज्ञान, आज्ञा करने के अर्थ में, राजा के जैसे। आज्ञानम, विज्ञानम, प्रज्ञानम, मेधा, दृष्टि, धृति, मतिर, मनीषा, ज्योति, स्मृति, संकल्प, क्रतु, असो, काम, बस, इति सर्वाणी, ये सब के सब इसी आत्मा की उपाधियां हैं। अरे भैया, हम कितने कपड़े पहन लेते हैं, सब उपाधियां हैं मेरी। क्या उपाधियां हैं, मेरी 10 उंगली है, मेरे 2 पांव हैं, मेरी 2 आंख है, ये उपाधि है कि नहीं। आप बताओ अपना परिचय, हाँ, पुरुष का परिचय दाढ़ी मूछ है, स्त्री का परिचय बोले दाढ़ी मूछ नहीं है, इतने तो है, यही तो हुआ, ये उपाधि है, ये उपाधि है, बस केवल उपाधि। फिर दादाजी की उपाधि बोले चश्मा है, डंडा है, लाठी, उपाधि। पास रहते रहते, साथ रहते रहते, उसी के साथ व्यवहार करते करते वो हमारी हो जाती है उपाधि। उपमाने समीप, उपमाने समीपी, समीप आकर के जो चिपक जावे उसका नाम हुआ उपाधि। तो प्रज्ञान की अपनी आत्मा के ये सब पास आ गए और पास आकर के चिपक गए तो नाम हो गया उपाधि। बस एक शब्द पर थोड़ा भाष देखो, यहाँ पर एक शब्द या जो लिखा है कि यद एतत हृदयम, ये जो हृदय है वही मन है। क्यों ऐसा कहा, हृदय ही मन है, हाँ, हृदय और मन को अब अलग अलग मत समझना, वही मन है। क्यों ऐसा है, तो कहते हैं यद उक्तम पुरस्तात् प्रजानाम, प्रजानाम से मंत्र है, प्रजानाम रेतो हृदयम, हृदयस्य रेतो मनो, मनसा सृष्टा आपश्च वरुणस्य हृदयान मनो मनसश्च चंद्रमा। हाँ, ये उसी ऐत्रेय आरण्यक के दूसरे अध्याय के पहले खंड का 3रा मंत्र है, 2:1-3, शायद तुम लोगों में छपा हो, हाँ, ऐत्रेय आरण्यक के इसी उपनिषद के पहले के, ये 4th अध्याय से शुरू हुआ, 3रा और 2रे अध्याय के पहले खंड का 3रा मंत्र है, प्रजानाम रेतो हृदयम
हृदयस्य रेतो मनः, यहाँ तक। फिर इसके बाद में मनसा सृष्टा आपस्य वरुणस, ये उसी दूसरे अध्याय के पहले खंड का सातवां मंत्र है, वरुणश्च, यहाँ तक इतना मंत्र है। तो इस भगवान भास्कर ने श्रुति का प्रमाण दे दिया कि हृदय और मन दोनों अलग अलग नहीं हैं, एक ही हैं, ये वेद में पहले से लिखा। बस ए, क्या प्रजा नाम रेतो, ये जो प्रजाओं का रेतस, प्रजाओं का सार, प्रजाओं का रस शुक्र के रूप में, वीर के रूप में हुआ, प्रजाओं का जो मूल है, जहां पर सारा तेज है, वही हृदय है। और हृदयस्य रेता मनः, वही मन है जहां सब जीवन का मूल है। जीवन का मूल कहां पर है? हृदय में कि मन में? भैया आप ज्ञानी हो गए। अब हृदय कहां है? दिल हृदय है कि नहीं? जिसको उर्दू भाषा में दिल कहा, हाँ, हमारे हिंदी में, संस्कृत में हम उसको हृदय, तो वही है हृदय कि अलग है? हाँ, बस एक लाइन पढ़ लो, जब दिल ही टूट गया तो जीने का कोई मतलब नहीं। हाँ, तो भैया हृदय और मन एक ही है, बिल्कुल। जब हृदय टूट जाता है, वैसे टूटता उठता नहीं वो, टूटता उठता नहीं, बस इतना है कि हमारे मन के अनुसार नहीं हुआ। हाँ, यही तो है ना, जैसा हमारे मन ने चाहा था वैसे नहीं हुआ। अब देखो, मन ने चाहा था कि ऐसा हो जावे, वैसा नहीं हुआ, तो टूटा कौन? हाँ, टूटा दिल, मन नहीं टूटा। कोई नहीं कहता कि मेरा मन टूट गया, इतना कह सकता मन खट्टा हो गया, लेकिन आज तक कोई नहीं कहता कि मन टूट गया, बस दिल के टुकड़े। हाँ, चाहा था किसने? हाँ, चाहा था किसने? मन ने चाहा था कि ऐसा मिले, ये हो गए हो, कामना हुई मन में, कामना हमेशा होती है मन में। हाँ, सर्वान पार्थ अनुग्रह, कामना मन में होती है, और मन की कामना पूरी हो गई तो तृप्त कौन हुआ? बोले मेरा आज हृदय तृप्त हो गया, दिल तृप्त हो गया, हृदय गदगद हो गया। हाँ, हुआ क्या था? हाँ, मन की कामना पूरी हुई, समझना। तो कामना हुई मन में, उस कामना की पूर्ति में आपका हृदय हर्षित हो गया, या कामना की पूर्ति नहीं हुई तो आपका हृदय में द्वेष पैदा हो गया। इसका मतलब मन और हृदय दोनों अलग अलग नहीं। अब ये नहीं है कि खाऊं मैं और पेट भरे उसका, ये तो संभव नहीं है। हाँ, ये तो संभव नहीं है। तो ये दोनों एक नहीं है, बल्कि हृदय ही मन है। हाँ, बिल्कुल स्पष्ट। इसलिए मैंने बता दिया, ऐतरेय आरण्यक के दूसरे अध्याय के पहले खंड का तीसरा मंत्र है, प्रजा नाम रेतो हृदयम, हृदयस्य रेतो मनः। सारी प्रजाओं का जो सार भूत है वो है हृदय, और हृदय का सार मन है, माने हृदय और मन एक है, ये वेद में कुछ नहीं सब। तो यही, हाँ, ये अब समझना। यहाँ पर अब पहली बात, आत्मा का नाम प्रज्ञान, पहला शब्द। हाँ, आत्मा को नाम दिया हमने प्रज्ञान। प्रज्ञान की ये सब उपाधियाँ इन्हीं के माध्यम से व्यक्त होता है। किससे? प्रज्ञान सबसे पहले मन रूपी उपाधि से व्यक्त हुआ, आपके हृदय रूपी उपाधि से व्यक्त हुआ। अब इसके बाद अब और भी उपाधियाँ, एक ही नहीं, जैसे एक आदमी के दर्जनों उपाधियाँ हैं, वही आदमी पुत्र भी है, वही आदमी पिता भी है, वही आदमी डॉक्टर भी है, वही आदमी घर का मालिक भी है। उपाधियां तो है ना, आपके एक नहीं कई उपाधियां हैं आपके। हाँ, पिता भी हो, पुत्र भी हो, भाई भी हो, मौसा भी हो किसी के, हाँ, बाबा भी हो, मालिक भी हो, किसी के लिए शत्रु भी हो, किसी के मित्र भी, कितनी उपाधियां आपकी हो गई। लेकिन सब केवल आपकी उपाधि है। उसी प्रकार से प्रज्ञान की ये भिन्न भिन्न इन्हीं के माध्यम से व्यक्त होता है, व्यवहार करता है। अब अगला केवल अर्थ देखते जाओ, अपने आप समझ में आता है। बस इतना समझना कि उपाधियां अनेक अनेक हैं, लेकिन ये प्रज्ञान एक है। एकम एव तद अनेकधा, ये प्रज्ञान एक। एतेन अंतःकरणेन एकेन चक्षुर्भूतेन रूपं पश्यति, यही प्रज्ञान अपनी इंद्रियों के माध्यम से सब करता है।
पूरा समरी देखना। तस्मात् सर्व करण विषय व्यापारकम एकम इदम करणम सर्व उपलब्ध अर्थम उपलब्धु, उपलब्धा की उपलब्धि, दृष्टा की दृष्टि, हाँ, भोक्ता का भोग्य विषय। तो ये जो उपलब्ध करने वाला है ज्ञाता, वो इनके माध्यम से भिन्न भिन्न चीजों की उपलब्धि करता रहता है। वो एक है, वो प्रज्ञान एक है, और वही प्रज्ञान जो एक है वो करता क्या है, कैसे कैसे। अब यहाँ पर एक और विद्या का वर्णन है, ये विद्या का वर्णन है भाष्य में, जरा सा नाम आया है छांदोग्य उपनिषद में, एक विद्या है जिसका नाम है संवर्ग विद्या। हाँ, संवर्ग, यहाँ पर देखना, यहाँ पर लिखा हुआ है कारण संघति रूपश्च प्राण इति अवोचाम प्राण संवाद आदौ, प्राण संवाद आदौ, अगले पैराग्राफ में होगा। हाँ, कारण संघति, संघति रूपश्च प्राण इति अवोचाम प्राण संवाद आदौ, नहीं मिला, मिल गया। ये संवर्ग विद्या का यहाँ पर उदाहरण है, थोड़ा सा गंभीर विषय है लेकिन ठीक है, तो बहुत बढ़िया। फिर यहाँ पर देख लेना परिशेष्य, परिशेष्य अध्यस्य उपलब्धो उपलब्धार्था एतस्य हृदयस्य मनोरूप। परिशेष न्याय से ही अपने आत्मा का उपलब्धि होती है, अपने आत्मा का ज्ञान होता है। अब मंत्र में जो जो शब्द आए हैं उनका अर्थ देखते जाओ, एक एक शब्द का बस। मंत्र में अर्थ आया है, शब्द आया है, जैसे पहले आया हृदय आया, फिर उसके बाद मन आया, मन से फिर संज्ञानम, है ना, संज्ञानम का अर्थ देखना। संज्ञानम संगप्ति, संज्ञप्तिश्चेतना भाव, संज्ञान माने संज्ञप्ति, चेतन भाव, मैं चेतन हूँ, जिंदा हूँ, इसी का नाम है संज्ञान। हाँ, उसका संज्ञान नहीं कहते कि संज्ञान में लाइए हम, वो आपकी दफ्तरी भाषा है, आपके संज्ञान में लाने के लिए मैंने ऐसा किया था, वो संज्ञान नहीं, वो बताने का मतलब हो गया, वो तो आपको समझाना चाह रहे हैं ना। संज्ञान माने चेतन भाव, संज्ञप्ति, आप जिंदा हो, बत कुर्सी पर बैठे हो ना। हाँ, अगर आप सोए हो तो आपको कोई नहीं बताएगा कि ऐसा करिए, नींद में हो तो कोई कब बताएगा कि ऐसा करिए, जब आप चेतन हो गए, जग गए, उसी का नाम है संज्ञान। आज्ञानम आज्ञप्ति ईश्वर भाव, आज्ञाप्ति, आज्ञान माने जो आज्ञा देने वाला होता है, कौन आज्ञा देता है, ये प्रज्ञान ही आज्ञा दे रहा है, वही संज्ञान चेतन होकर जग रहा है, वही आज्ञा देता है ऐसा करो ऐसा करो, पानी लाओ, गिलास लाओ, थाली लाओ, ये आज्ञप्ति ही ईश्वर भाव। अरे आप भी ईश्वर हो, ईश्वर भाव क्या मतलब, उसकी आज्ञा से सृष्टि चलती है और आपकी आज्ञा से आपका घर चलता है, है ना, तो आप ईश्वर नहीं हो गए क्या। हाँ, चार 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 नौकर रख लो घर में, चारों आपकी आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं कि नहीं, चार बच्चे हैं, कुछ तो मानते हैं, अब चलो सब ना माने कुछ तो मानेंगे। हाँ, आपकी आज्ञा मान रहे हैं तो आप कौन हो गए उस समय। हाँ, अरे इस समय मैं ईश्वर हूँ। हाँ, क्योंकि मेरी आज्ञा मानना आपकी मजबूरी है, नहीं मानूंगा तो भगा दूंगा, तो मैं ईश्वर हूँ। आज्ञप्ति ईश्वर भाव, आज्ञानम आज्ञप्ति ईश्वर भाव, बहुत बढ़िया शब्द है। जब आज्ञा कोई महाराज और नहीं मानेगा तो हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब यहाँ पर मैं डांटूँ और तुम मन में गाले तो बढ़िया बाबा। अगर मन में गरियाओगे तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ओ क्या होगा, ओ संस्कार बसात स्मृत जन्यात, वो बैठा रहेगा और वो बीज किसी दिन फूट जाएगा। बस कोई ऐसा मन का भाव नहीं है जो कभी ना कभी प्रकट ना हो। आज छुपा लोगे आप, अभी मैं छुपा लेता हूँ ऐसा भाव, राग होगा तो, द्वेष होगा तो, शत्रु भाव होगा तो, मित्र भाव होगा तो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, वो किसी न किसी रूप में व्यक्त हो जाएगा। और जब व्यक्त होगा ना तब विस्फोट तो करेगा ही करेगा, परिणाम तो सामने आना ही है, अभी छुपा लो। लेकिन आज्ञप्ति ईश्वर भाव, सीधा आपकी आज्ञा कोई ना कोई तो मानता है, मैं नहीं मान सकता कि कोई नहीं मानता, जरूर कोई ना कोई मानता है।
अगर एक भी आपकी आज्ञा मानता है, एक भी, इसका मतलब उस जिस समय वो आज्ञा मान रहा है उस समय आप ईश्वर हो गए। इतने तो है, एक भी अगर मान रहा है तो, और ऐसा कोई नहीं कह सकता कि कोई नहीं माने। हाँ, और सब, हाँ, वो ईश्वर, वो ऊपर वाले ईश्वर की भी तो सब कौन मान रहा है। हाँ, और एकाध कोई, अरे कितनी बार ए पति लोग महाराज आश्रम में साधना शिविर में खाना खाएंगे, पत्नी को थाली से ले जाओ, हाँ ऊपर से मैं देख लेता हूँ। खुद नहीं धोएंगे थाली। चलो अगला पढ़ो, क्या था वहाँ? संज्ञानम, आज्ञानम, उसके बाद था विज्ञानम। विज्ञान माने साइंस, हाँ विज्ञान माने कालादि परिज्ञानम। भाष्यकार का एक एक शब्द देखना, कालादि परिज्ञानम, उसका नाम है विज्ञान। जो बहुत सारी वस्तुएं हैं उनकी कलाओं का अच्छी प्रकार से ज्ञान का नाम है विज्ञान, कलादि। हाँ, अगर एक पुस्तक है तो इसकी कितनी कला है, इतना चौड़ाई है, इतनी लंबाई है, इतनी मोटाई है, ये अखबार से बना है कि ये कागज कहाँ से बना, इसकी कला है, क्योंकि कागज पर छपा है ना, तो कागज कहाँ से बना, किससे बना, लुगदी किससे बनी। हाँ, अब वो सब इसकी कला है। हाँ, क्योंकि कागज बना, स्याही बना, उस पर छपा गया, तो ये सब कला है। तो इसकी समस्त कलाओं का परिज्ञान, चारों तरफ से अच्छी तरह से जानना, उसका नाम हुआ विज्ञान। अभी सब, अभी अब सब समझ लो, जितनी भी कलाएं हैं, जित हर एक वस्तु का, ये कैसे बनी मेज, ये चादर कैसे बना, हाँ ये हाथ कैसे बना, ये घड़ी कैसे बनी। हाँ, इस घड़ी की जितनी कलाएँ हैं, कौन सी कलाएं हैं इसमें, एक क्लिप होगी फंसाने के लिए, एक पट्टा होगा, इसके अंदर मशीन होगी, उसमें एक सुई होगी, एक खचका होगा, एक कला है उसकी, उसके बगैर ये काम नहीं करेगा। तो इसकी हर कलाओं का अच्छी प्रकार से जानने का नाम हुआ विज्ञान। लो है ना साइंस के टीचर, चलो कला परिज्ञान। फिर अगला शब्द है प्रज्ञानम। अब देखो आत्मा का एक नाम दिया प्रज्ञानम, और मंत्र में है प्रज्ञानम, ज्ञानम प्रज्ञप्ति प्रज्ञता, अभी इसकी चर्चा कल भी करनी है। प्रज्ञप्ति प्रज्ञता, मेधा, मेधा माने देखो प्रज्ञप्ति अलग चीज है, विज्ञान अलग चीज है, मेधा ग्रंथ धारण सामर्थ्यम इति मेधा, बस इतना ही। आप लोग समझदार हो, समझ, ग्रंथ धारण सामर्थ्यम, ग्रंथ धारण माने याद कर लेना, उसी का नाम हो गया मेधा। फिर दृष्टि, दृष्टि क्या, इंद्री द्वारा सर्व विषय उपलब्धि, जिस इंद्री से, इंद्री के द्वारा से सारे विषयों का जो बोध होता है उसी का नाम है दृष्टि। धृति धारणम अवसन्ना नाम शरीर इंद्रियाणाम ययो स्तंभनम भवति, ययो स्तंभनम भवति धृत्या। धृति, धृति का मतलब हुआ, धृति माने जो इस शरीर को धारण करता है, धारण करना, कैसे, कभी कभी ये हमारा शरीर, हाँ अवसन्ना नाम शरीर इंद्र, कभी कभी ये शरीर और इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। तो शिथिल हो जाती हैं तो आप लोग क्या कहो, हे ध्यान से बैठो, हाँ ध्यान से बैठो, हाथ को ऐसा धारण करो, पांव को ऐसा धारण करो, मतलब हाँ वो व्यायाम वाले, हाँ ऐसे उठाए रखो, हाँ भाई ऐसे उठाए रखो। हाँ, अब हाथ तो कहता है नीचे जाओ, हाँ और वो पीटी वाला मास्टर कहता है उठाए रखो, व्यायाम वाला तो क्या कह रहा है, उठाए रखो, इसका नाम है धरती, धरती उठाए रखो। जो ये शरीर शिथिलता को, ये शरीर जा रहा है शिथिलता की तरफ, लगातार शिथिलता की तरफ जाता है, और इसको हम जगाए रखते हैं, हाँ जरा सा मौका पाओ, है ना, लेटे खर्राटे जरा सा मौका पाओ, लेकिन फिर भी मैं इसको जगाए रखता हूँ ना, जगो जगो काम करना है, चलो चलो, क्यों कर रहे हैं, कैसे, किस शक्ति से, धारण कर, और उसका नाम है धृति, उसको धृति यहां पर शब्द प्रयोग किया है। हाँ, धृत्या शरीरम उद्वहन्ति ही, शरीरम उद्वहन, शरीर को जो बहन कर रहा है, शरीर को जो चला रहा है दिन भर, और नहीं तो शरीर तो सो जावेगा। वैसे भागना दौड़ना किसी को पसंद नहीं आता,
किसी को पसंद पसंद तो आता है महाराज बढ़िया खाओ और, लेकिन हाय रे किस्मत, हाँ चैन से वो भी नहीं मिलता। हाँ फिर अगला शब्द है मति, मति माने मननम, मनीषा। हाँ याद आ गया, मनीषा को सुनाना जाके, मनीषा का मतलब क्या होता है। मनीषा तंत्र स्वातंत्र्यम, बस मनीषा तंत्र स्वातंत्र्यम, तंत्र तंत्र माने जैसे तांत होता है ना हमारे कपड़े में, ताना और बुना है, ऐसे हमारे शरीर में बहुत सारे तंत्र हैं। कौन सा तंत्र? पांच ज्ञान केंद्रीय के तंत्र हैं, पांच कर्म केंद्रीय के तंत्र हैं, चार अंतःकरण है। ये अपने भीतर आपकी प्रज्ञा शक्ति ऐसी हो कि आपको स्वतंत्रता की अनुभूति हो। वे स्वातंत्र्यम, स्वा माने अपना आत्मा, अपने तंत्र को उपलब्ध हो जाना, अपनी महिमा को प्राप्त हो जाना, इसका नाम होता है मनीषा। बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। हाँ वैसे ज़्यादातर मनीषा माने माने जिसका मन बहुत तेज होवे, जिसकी बुद्धि बहुत तेज होवे, जो बहुत ज्ञानी होवे, ज़्यादातर यही कह दिया जाए। तंत्र स्वातंत्र्यम, तंत्र स्वातंत्र्यम, अब इतना सामर्थ्यवान हो गया कि शास्त्र से विपरीत करता नहीं और शास्त्र के अनुसार उसका मन बुद्धि इंद्रियां सब की सब अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त हो गई है। एक बार आचार्य भी देखते हैं, माता पिता भी देखते हैं तो रोकने की हिम्मत नहीं पड़ती, क्योंकि जो करता है सब आप भरत जी का दृष्टांत ला लो, जैसे वशिष्ठ जी कहते हैं जो करेंगे वही सब धर्म होगा। उस दृष्टि में तंत्र स्वातंत्र्य ऐसा है मनीषा का अर्थ, मनीषा तंत्र स्वातंत्र्य। पढ़ लेना भाष्य में, ज्योति, ज्योति माने चेतसा रुजादि दुखित्व भाव। ये जो महाराज ज्योति शब्द है, हमारे भीतर कभी कभी रोग आज से बड़ा क्लेश होता है ना। हाँ भाई रोग हुआ पाँव में, रोग होता है हाथ पाँव में, और दुखी होता है जो भीतर दुखी होता है उसका नाम है ज्योति। हाँ रोग शरीर में हो तो तुम क्यों दुखी हो, बोले भीतर दुखी हो। चेतसा स्मृति स्मरणम, संकल्प शुक्ल कृष्णादि भावें संकल्पनम रूपादीनाम, क्रतु, क्रतु शब्द है वेद में, उसका नाम है अध्यवसाया, खूब पढ़ते रहना, खूब स्वाध्याय करना। आसु असु, वेद में ये शब्द है असु, असु माने प्राणान, प्राणन आदि जीवन क्रिया निमित्ता वृत्ति, जीवित रहने के लिए कुछ न कुछ करते रहना, उसका नाम है असु। जो केवल अपने ही असु में रमण करे उसी का नाम होता था असुर। स्वेष असुसु रमंति इतिसा असुरहा, स्वेष केवल अपने ही असु में रमण करने का नाम हुआ असु। यहां पर असु का मतलब हो गया, असु माने प्राणानादि जीवन क्रिया निमित्त, जीवित रहने के लिए। और है शब्द क्या उसमें मंत्र में? हाँ हाँ काम, हाँ काम असन्निहित विषया आकांक्षा, असन्निहित असन्निहित काम कहते हैं, असन्निहित जो मेरे पास नहीं है उस विषय की कामना, हाँ माने तृष्णा। बसह स्त्री व्यतिकार आदि अभिलाषा, स्त्री आदि बहुत सारी चीज़ों की चाह, इति एवं आद्या अंतःकरण वृत्तया प्रज्ञप्ति मात्रस्य, ये जितनी वृत्तियाँ हैं आपके अंतःकरण में ये केवल प्रज्ञप्ति मात्र है। एक केवल प्रज्ञप्ति मात्र है, सबका सब प्रज्ञानम नाम ध्येयम, केवल प्रज्ञान मात्र है। सर्वाणी एतानि प्रज्ञानस्य नाम ध्येयानि भवन्ति, ये जितना गिनाया अभी तक ये सब प्रज्ञान के ही नाम। तो मंत्र में है सर्वाणी एव एतानि प्रज्ञानस्य नाम ध्येयानि भवन्ति, सब कुछ केवल प्रज्ञान के ही अलग अलग, प्रज्ञान के ही इतने सारे नाम है। वही अपने भीतर जो प्रज्ञान है, चेतन, प्रज्ञान माने प्रज्ञप्ति, हाँ प्रज्ञप्ति प्रज्ञता, जो भीतर चेतन है वो चेतन जब इन इन चीज़ों से निकलने लगता है तो इतने सारे उसके नाम। मैं मेधा वाला हूँ, मैं आज्ञा देने वाला हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं संकल्प करने वाला हूँ, सब किसका है? उसी चेतन की उपाधियाँ हैं। तो अब आया विचार कि फिर वो चेतन कौन है, वो प्रज्ञा है न स्वतः साक्षात,
नाम ध्यान भवंति सत्ता साक्षात। हाँ हाँ, तो ये सब अपने आप में इनकी सत्ता नहीं है, अपने आप ये काम नहीं कर सकते। वो अगर चेतन ना हो गए तो आँख काम नहीं कर सकती, कान काम नहीं कर सकता, तब आप दृष्टा श्रोता नहीं हो सकते। कब करते हैं आप? जब वो भीतर है, चेतन है, और वो चेतन प्रज्ञान स्वरूप है, वो चेतन ही प्रज्ञान स्वरूप है। उसको पहचानो, उसको जानो, वही सब कुछ है। तो प्रज्ञान कौन है? आगे अब अगला मंत्र प्रज्ञान।